आयनिक इक्विलिब्रियम के ऊपर। ठीक है, मेरा नाम है लता शर्मा और आज हम पढ़ने वाले हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। सबसे पहले तो तुम मुझे बताओ कि क्या एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, ये बात तुम्हें पता है? यस मैम, यस मैम। बताना जरा एक बच्चे जल्दी से, एसिड क्या होते हैं? मैम एसिड जो है वो एच पॉजिटिव आयन रिलीज करता है एक्वस सॉल्यूशन में, और बेस जो है होते हैं वो ओएच नेगेटिव आयन रिलीज करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। आरहेनियस ने डेफिनेशन दिया, आरहेनियस ने बोला कि भाई जो एच प्लस लॉस करेंगे सॉल्यूशन में वो एसिड, जो ओएच नेगेटिव आयन लॉस करेंगे वो होंगे बेस। क्लियर है? लेकिन कुछ कंपाउंड जैसे कि NH3 और भी कोई थे, उन्होंने क्या देखा कि अब इसके पास तो OH नेगेटिव है नहीं, ये सॉल्यूशन में OH नेगेटिव नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा NH3 देख के कि ये एसिड है या फिर बेस है? ठीक है, ये एसिड देता है OH नेगेटिव, हाइड्रोजन H2O से H+ लेके। तो दूसरे साइंटिस्ट आए ब्रॉन्स्टेड, ब्रॉन्स्टेड ने बोला कि जो H+ लॉस करेंगे वो होंगे एसिड, जो H+ एक्सेप्ट करेंगे वो होंगे बेस। क्लियर है ये बात? यस मैम, आरहेनियस ने H+ और OH नेगेटिव की बात करी, ब्रॉन्स्टेड ने सिर्फ एक बात करी H+ लॉस और H+ गेन। H+ लॉस एसिड, H+ गेन बेस। ठीक है, क्लियर है बात सबको? यस मैम। ये एक एसिड है, ठीक है, इससे एसिड से क्या बना, इसको मैंने H2O के साथ रिएक्ट कराया, मेरा बना H3O+ प्लस ए नेगेटिव। आरहेनियस ने एक कॉन्सेप्ट और दिया, उसने कहा जो एसिड है ना, जब ये अपना H+ लॉस करके, ये H+ लॉस करके बना रहा है, तो जो ये बना इसका आयन, इसको बोलेंगे हम कॉन्जुगेट बेस। एसिड ने अपना H+ लॉस किया तो जो बना उसके साथ ही यहाँ पे ए नेगेटिव, उसको क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेट बेस। ऐसे H2O क्या यहाँ रिएक्शन में H2O किसकी तरह एक्ट कर रहा है? बेस की तरह, बेस की तरह एक्ट कर रहा है, क्योंकि H+ एक्सेप्ट कर रहा है। हमने पढ़ा H+ जो एक्सेप्ट करते हैं वो होते हैं बेस। H2O किसकी तरह एक्ट कर रहा है? बेस की तरह एक्ट कर रहा है। इसने H+ एक्सेप्ट किया और क्या बनाया? कॉन्जुगेट एसिड। ब्रॉन्स्टेड ने एक न्यू कॉन्सेप्ट दिया, किसका? कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस का। ब्रॉन्स्टेड ने बोला क्या कि जो H+ एक्सेप्ट करने के बाद बेस जो है, वो H+ एक्सेप्ट करने के बाद जो बन गया वो क्या है? उसका कॉन्जुगेट एसिड। अगर मुझसे NH3 का कॉन्जुगेट एसिड बनाने को बोला जाएगा तो मैं क्या लिखूंगी? कॉन्जुगेट एसिड बनाने के लिए क्या कॉन्जुगेट एसिड, अगर किसी मॉलिक्यूल का बनाना है कॉन्जुगेट एसिड के लिए, H+ ऐड कर देना है। क्या करना है उसमें? H+ H+ ऐड हो रहा है ना, देखो इसमें, बोलो भाई, H+ ऐड हुआ तभी तो कॉन्जुगेट एसिड बन गया। ऐसे ही बेस के लिए अगर मुझे NH3 का कॉन्जुगेट एसिड क्या हो जाएगा H+ ऐड करके? NH4+ पॉजिटिव। NH4+ गुड। अगर NH2 नेगेटिव का मुझे उसने कॉन्जुगेट बेस बनाने को बोला होता तो मैं क्या करूंगी? रिमूव H+। NH2 नेगेटिव में से क्या बनाने को बोला है? कॉन्जुगेट बेस बनाने को बोला है, तो मैं इसमें से H+ रिमूव करूंगी, मेरे पास आ जाएगा NH2 नेगेटिव। बोलो भाई, NH2 नेगेटिव कैसे आया? था क्या? NH2 नेगेटिव था, इसमें से मैंने रिमूव करा क्या? H+। एक H+ पहले से नेगेटिव था, एक H+ रिमूव हुआ तो कितने हो गए? तो H चला गया और जो चार्ज है वो कितना आ गया? 2 नेगेटिव। क्लियर है ये बात सबको? क्या अपनी एक्सरसाइज का 7.1, 2, 3 कर सकते हो? बस सिंपल सी बात है, मैं इसको इतना पूरा लेक्चर ही इस पे था आजकल, लेकिन इसको मैंने 5 मिनट में खत्म हो गया कि, क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ कि इजी है। तुम्हें समझ में आ गई ना ये बात? इसके लिए 5-10 मिनट खींचने की कोई जरूरत थी है ही नहीं, मतलब आधा घंटा या 1 घंटे का पूरा लेक्चर खत्म करने की जरूरत नहीं है। अब तुम क्वेश्चन देखोगे तो मैं देख सॉल्व कर पाओगे तो ठीक है, समझ में आया, नहीं कर पाओगे तो भाई नहीं आया। इसमें बताया NH3 क्या है? NH3 इस रिएक्शन में क्या है? एसिड है, बेस है? बेस, क्योंकि वो H+ एक्सेप्ट कर रहा है ना H+। और H2O क्या है? एसिड, क्योंकि वो H+ लॉस कर रहा है। तो बेस ने जब अपना H+ एक्सेप्ट किया तो जो बना वो क्या बना? कॉन्जुगेट एसिड।
एसिड, और जब एसिड ने एच प्लस लॉस किया तो क्या बना? कॉन्जुगेट बेस। बेस बस एग्जाम में मॉलिक्यूल लिखा होगा, पूछा होगा इसका कॉन्जुगेट एसिड बनाओ, इसका कॉन्जुगेट बेस बनाओ, बस इतनी सी बात याद रखनी है। एच प्लस एड करना है, कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा, क्या बन जाएगा कॉन्जुगेट एसिड। एच प्लस रिमूव करना है, क्या बन जाएगा कॉन्जुगेट बेस। बेस क्लियर है बात सबको? यस मैम। ऐसे ही आपको बड़े सारे एग्जांपल देते हैं, HSO4 नेगेटिव, इसका कॉन्जुगेट एसिड भी बताओ, कॉन्जुगेट बेस भी बताओ। कॉन्जुगेट एसिड बताना है तो मतलब एच प्लस एड करना है तो H2SO4 हो जाएगा, हाँ कि ना? यस मैम। कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा? H2SO4 2 नेगेटिव। एच प्लस रिमूव कर देना है, कॉन्जुगेट बेस में क्या करना है? रिमूव कर देना है एच प्लस को, रिमूव। एक एच प्लस था वो भी चला गया, SO4 2 नेगेटिव, यहाँ पर क्या करना है एड एच प्लस। क्लियर है बात सबको? यस मैम। पक्का मैम? लुइस एसिड और लुइस बेस बता दूं अगर ये क्लियर हो गया हो तो, क्वेश्चन देख लेना अपनी कॉपी के, उसके सॉल्व कर लेना, बस याद रखने की बात है। जैसे कि NH3 था, इसका कॉन्जुगेट एसिड बताओ, कॉन्जुगेट बेस बताना जरा, कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट एसिड बताओ NH3 का क्या होगा? NH4 पॉजिटिव। कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा NH4 प्लस? अनुष्का, आदित्य, आचल, तबस्सुम, क्या होगा बच्चे? मानसी, सृष्टि, आप बताओ कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा NH3 का? सृष्टि, तन्वीर, कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा? मतलब कि समझ में नहीं आया, मैं फिर से पीछे ले जाऊंगी, सारा रिपीट कर दूंगी। NH4 प्लस होगा कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस क्या होगा रिचा? निर्मला, NH2 नेगेटिव कॉन्जुगेट बेस होगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था, ये चीजें समझ में आ गई होंगी। बोलो भाई ये क्या है, NH4 पॉजिटिव और कॉन्जुगेट बेस क्या हो गया NH2 नेगेटिव। क्लियर है सबको? यस मैम। अब बात करते हैं हम लुइस एसिड की। अब कुछ ऐसे एलिमेंट्स से कि जो जैसे कि F नेगेटिव, इसके पास तो ना H जिंक 2 प्लस, O H नेगेटिव के पास तो है, चलो S2 नेगेटिव, ठीक है, ये बोरोन क्लोराइड, एल्यूमिनियम फ्लोराइड, ठीक है, ये कुछ कंपाउंड थे भाई जिनके पास तो ना तो OH नेगेटिव है ना H प्लस है ना ही H, हम भी कैसे परिएसिडिक बेसिक, हमें इसमें बताना है कौन क्या होगा, तो कैसे बताएंगे? तो एक तीसरे साइंटिस्ट है लुइस, लुइस ने क्या कहा कि लुइस ने करी इलेक्ट्रॉन पेयर की बात, लुइस ने किसकी बात करी? इलेक्ट्रॉन पेयर की। लुइस ने कहा जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा वो होगा लुइस एसिड, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा डोनेट होगा लुइस बेस, डोनेट डी लुइस बेस, डी बी एक साथ है याद रख लेना, डोनेट बेस। अभी ऐसा लग रहा है ना कि याद हो जाएगा, पर जब क्वेश्चन आएगा तो कंफ्यूज हो गए कि क्या डोनेट करना था तो क्या होना था, बेस या फिर एसिड होना था, ठीक है, तो याद रखना डी और बी, डोनेट कर रहा है तो वो क्या होगा लुइस बेस, एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो लुइस एसिड। अब एक्सेप्ट कौन करेंगे, जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहा होगा, जैसे बोरोन फैमिली, बोरोन के जो होते हैं और एल्यूमिनियम के होते हैं वो ऑक्टेट क्या रहते हैं, इनकम्प्लीट होता है उनका ऑक्टेट, है ना, हमने पढ़ा था ना चैप्टर 4th में, 4th चैप्टर पढ़ा है आपने? यस मैम। कंप्लीट ऑक्टेट होता है बोरोन का, ठीक है, तो ये कैसे जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा या जिसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज होगा, जिसके ऊपर कैसे चार्ज होगा पॉजिटिवली चार्ज होगा, वो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर लेंगे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे ना, यानी कि एक्सेप्ट करेंगे, यानी कि वो क्या होंगे लुइस एसिड। क्लियर है बात सबको? तो इसमें और जिनके पास और जो क्या होंगे, जिनके पास क्या होगा नेगेटिव चार्ज होगा, जिनके पास क्या होगा नेगेटिवली चार्ज होगा या फिर एक्स्ट्रा लोन पेयर होंगे, नेगेटिवली चार्ज और एक्स्ट्रा लोन पेयर होंगे, वो कैसे एक्ट करेंगे बच्चे लुइस बेस की तरह। क्लियर है ये बात सबको? यस मैम। ये आपके सामने जो लिखे हैं एफ नेगेटिव क्या होगा लुइस एसिड या बेस,
मैम लुईस बेस. लुईस बेस होगा, नेगेटिवली चार्ज है तो बेस. Zn2+ प्लस क्या होगा? लुईस एसिड. OH नेगेटिव क्या होगा? मैम लुईस बेस. लुईस बेस. बेस. S2 नेगेटिव क्या होगा? लुईस बेस एसिड. बोरोन क्लोराइड क्या होगा? मैंने बताया बोरोन लुईस एसिड. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं जहां बोरोन दिख जाए, मतलब बेस एसिड. एल्युमिनियम भी क्या? लुईस एसिड. क्लियर है ये बात सबको? अच्छा इसमें एक 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 वो है SO3 जो होता है, SO3 ठीक है, SO2 और या फिर सिलिकॉन, इसके बारे में ऑप्शन में है, पीछे मैं बता दूंगी, लेकिन अभी मैं आपको बता दूं. सल्फर जो होता है, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड है, इसके पास ऑक्सीजन है. ऑक्सीजन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है. ऑक्सीजन कैसा एलिमेंट है? ये देखो सारे के सारे इसके बिजी है ना इलेक्ट्रॉन्स. जो ऑक्सीजन है वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो वो सल्फर से क्या करता है, सारे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है. तो सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है, या सल्फर कह लूं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है. तो ये कैसे एक्ट करता है? लुईस एसिड की तरह, क्योंकि सल्फर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया. डेफिशिएंट मींस उसके पास कमी हो गई इलेक्ट्रॉन की. अब वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मतलब एक्सेप्ट करेगा. क्लियर है? ये वो है, एक एक्सेप्शन मान लो, अगर तुम देख के नहीं पता चलेगा सल्फर का है तो. एस टू तो तुम्हारा वो था लुईस बेस, लेकिन सल्फर ट्राइऑक्साइड की बात मैं करूं तो ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो अपनी तरफ खींच लेता है सल्फर के. तो सल्फर जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है, तो इसलिए वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक्सेप्ट कर लेता है. क्लियर है बात सबको? तभी हमें वो मिलता है ना SO3 H2SO3. बोलो भाई. यस एसिड होता है, एसिड होता है ना, ठीक है. H2SO3 की बात ही नहीं हो रही, सिर्फ SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड की बात हो रही है, सल्फर डाइऑक्साइड की बात हो रही है. ये कैसा बिहेव, ये कैसा नेचर शो करते हैं? एसिडिक, ठीक है. इनको हम लुईस एसिड बोलते हैं. क्यों शो कर रहे हैं? क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो अपनी तरफ खींच लेगा, तो इसलिए सल्फर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा. क्लियर है बात सबको? अब बात करते हैं सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड की. सिलिकॉन के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल होते हैं. अगर CH4 होता तो बच्चों को न्यूट्रल, CH4 के पास कुछ नहीं होता, इसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं होते. एक मिनट तुम लोग रुकोगे. कहां कहां थी मैं, किस पे क्या बोल रही थी, कि CH4 के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं, ठीक है. एक मिनट बच्चे. हाँ यही हो, चले गए. बोलो भाई. सल्फर के पास ये सिलिकॉन के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल होते हैं. आपने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था ना, हमने क्या पढ़ा था भाई, सिलिकॉन जो इसके अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो डी ऑर्बिटल आ जाता है ना उस टाइम पे कार्बन के. तो इसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल होते हैं, उसमें वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है. तो इसलिए ये भी कैसा नेचर शो करता है, लुईस एसिड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है अपने एम्प्टी डी ऑर्बिटल में. क्लियर है बात? यस मैम. यस मैम. यहाँ तक सब चीज समझ में आ गई? कुछ क्वेश्चंस कर ले. अच्छा इलेक्ट्रोलाइट्स की बात नहीं करिए, एक बार ये भी कर लेते हैं. हाँ इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं बच्चे? जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट है ना. जैसे कि HCl, NaOH, NaCl, ठीक है. ये आयन रिलीज कर देंगे एक्वस सॉल्यूशन में और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. फिर नॉन इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं? शुगर, कोई और एग्जांपल ले लो, ग्लूकोज. ये क्या आयन रिलीज करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में? नहीं, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होती, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं. क्लियर है? इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? अब इलेक्ट्रोलाइट भी दो तरीके के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किन्हें कहते हैं और वीक इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं? स्ट्रॉन्ग और वीक. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाएंगे, कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाएंगे. जैसे कि HCl है, अगर मैंने ये वन मोलर लिया है और ये क्या करेगा, पूरा H+ दे देगा और क्लोराइड नेगेटिव दे देगा, तो ये अपना जीरो हो जाता है.
अप्रोक्सीमेटली 0.90% तक ही क्या हो जाता है, डिसोशिएट हो गया, 1 मोलर एच प्लस मिल गया, 1 मोलर क्लोराइड मिल गया। बोलो भाई क्लियर है बात? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या, जो जिनकी अल्फा की वैल्यू, अल्फा के बारे में बताया था लास्ट क्लास में, एक्स बाय सी इज इक्वल टू अल्फा होता है, अल्फा को हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं। हुई थी ये बात सारी, याद है किसी को कि भूल गए? याद रख लो एक्स बाय सी अल्फा है। एक्स कैसे निकालते हैं किसी भी इक्वेशन के लिए, ये भी याद है, भूल गए? अरे भाई इतनी बार करवा चुकी हूँ ये वाला एग्जाम्पल, N2 वाला करवाया था, लेकिन अब मैं दूसरा ले लेती हूँ, C प्लस 3D। अगर ये C है, ये C है, इनिशियली ये 0 है, 0 है, इसी में से ये माइनस X हो गया इक्विलिब्रियम पे, 2B, ये कितना कम होएगा? 2X, यहाँ कितना प्रोड्यूस होगा? 2X, यहाँ कितना प्रोड्यूस होगा? X, यहाँ कितना प्रोड्यूस होगा? 3X, 3X, क्लियर है ये बात सबको? Yes, ma'am. अच्छा बात बताओ, अब अगर मैं सी में इसकी, अगर मैं इक्विलिब्रियम में बी में से एक्स माइनस कर दूंगी, तो मुझे ए में से कितने माइनस करने पड़ेंगे? एक्स बाय टू, और सी में कितने प्रोड्यूस, यहाँ कितना प्रोड्यूस होगा? एक्स कितना, एक्स बाय टू। अरे भाई सी में भी तो एक्स बाय टू होगा, अगर टू बी एक्स है, 2 मोल्स थे तब एक्स हो रहा था, सी में तो एक ही मोल है, तो 1 मोल के लिए कितना हो जाएगा, एक्स बाय टू। और डी में कितना आएगा, 3/2। हाँ क्लियर है बात सबको? सृष्टि, अंजलि, रिचा, पूजा, यस मैम, क्योंकि बार बार मैं बता रही हूँ कि आयनाइजेशन वाले कॉन्सेप्ट में ये काम आएगा। क्लियर है बात सबको? ये जो माइनस हुआ और जो प्रोड्यूस हुआ, इन चारों का रेशियो जो होगा वो क्या आएगा, सेम वही जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो है। क्लियर है बात? अब मैंने क्या बोला, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं, और वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो 0.05% ही, सॉरी 5% ही डिसोशिएट होगा, या 0.05 ही जिसका वैल्यू होगी डिग्री ऑफ डिसोशिएशन की, मतलब कि वो पूरा का पूरा डिसोशिएशन उसमें नहीं होता। CH3COOH था, इसको मैंने ये वीक है, वीक होता है, यस वीक एसिड होता है, तो वीक एसिड जो भी होंगे या वीक बेस जो होंगे उनमें कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता, कुछ परसेंट ही डिसोसिएट हुआ, मतलब अल्फा की वैल्यू मच मच लेस देन 1 होती है। क्लियर है बात सबको? यस यस मैम। ठीक है, अगर मेरा ये सी था इनिशियली, ये 0 था, ये 0 था, तो ये सी में से सी माइनस अल्फा हो गया, ये यहाँ सी अल्फा प्रोड्यूस होगा, ये सी अल्फा प्रोड्यूस होगा। मुझे क्वेश्चन में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन गिवन होगा, क्या गिवन होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो कि क्या होता है, अल्फा। क्लियर है बात सबको? अब मुझे बताओ कि के ए की वैल्यू आप इसके लिए लिख सकते हो, के ए वही है जो आपका के इक्विलिब्रियम आपने पढ़ा था, के इक्विलिब्रियम पता है क्या था? यस मैम, सी अल्फा, सी अल्फा, सी माइनस सी अल्फा। कोई बच्चा है जिसे समझ ना आया हो कि ये कैसे आया? और जो के इक्विलिब्रियम है, यही जब मैं एसिड को डिसोसिएशन कर रही हूँ तो इसको ही मैं के ए ले लेती हूँ। बोलो पलक, खुशी, दीपा, क्लियर है बात सबको? यस मैम। चलो तन्वीर, सृष्टि, आचर, आरती, बच्चे समझ में आया जो अभी तक करा? लुईस एसिड, लुईस आर्गेनियस, ब्रॉन्स्टेड, कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस का कॉन्सेप्ट भी, हालांकि पूरी क्लास थी लेकिन मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कॉन्जुगेट एसिड और बेस कैसे बनाना है, एच प्लस एड करा, कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा, एच प्लस रिमूव कर दो, कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। क्लियर है? उसके बाद हम आए के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे, अगर हम एसिड के डिसोसिएशन की बात करेंगे तो जो के इक्विलिब्रियम लिखते थे अब उसको ही क्या लिखेंगे, के ए। ठीक है, अगर ये बेस होता तो मैं इसको क्या लिख लेती, के बी बी। ठीक है, क्या आप के ए की वैल्यू को ऐसे लिख सकती हूँ, सी स्क्वेयर अल्फा स्क्वेयर, सी कॉमन निकाल लेती हूँ, 1 माइनस अल्फा, सी अल्फा स्क्वेयर 1 माइनस अल्फा। बोलो। Yes, ma'am. कुछ नहीं किया, सी को कॉमन निकाला और फिर ऊपर और नीचे काट दिया, तो मेरे पास के ए की वैल्यू आ गई सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा।
फॉर मोनो एसिड. किसके लिए? मोनो एसिड. अब मोनो एसिड क्या है और डाई एसिड, ड्राई एसिड, पॉली एसिड क्या होते हैं? मोनो एसिड मीन्स जो कि एक एच प्लस आयन अपना रिलीज कर रहे हैं आयन में. मोनो एसिड एच टू एसओ फोर कितने एच प्लस देगा? टू एच प्लस देगा. यानी कि ये कैसा है? डाई एसिड. डाई एसिड. ट्राई एसिडिक क्या होता है जो कितने देगा? थ्री एच पॉजिटिव. एच थ्री पी ओ फोर वो कितने दे देगा? सॉरी ये क्लोरीन नेगेटिव लिख लिया, एसओ फोर टू नेगेटिव. H3 प्लस और प्लस कितना? PO4 3 नेगेटिव. क्लियर है ये बात सबको? अब इन सबके लिए C अल्फा अलग अलग हो जाएगा ना बच्चों? बोलो भाई, होगा ना? मैम ये वैल्यू निकाली कि ये सिर्फ मोनो एसिडिक के लिए निकाली है. ठीक है, अगर मेरे पास H3PO4 लिखा होता तो उसके लिए अगर मुझे निकालनी होती तो कैसे निकालती? C था, ये जीरो था, ये जीरो था, ये C में से C माइनस अल्फा हुआ, ये कितना प्रोड्यूस होगा? 3C अल्फा. अल्फा बोलो अब के की वैल्यू भी बदल जाएगी? नहीं बदलेगी. C अल्फा, C अल्फा का क्यूब, C माइनस C अल्फा, ऐसे होगी ना? यस मैम. यस मैम. तो बस हमने वो वैल्यू जो निकाली थी जब इसकी, जब क्वेश्चन में आपको गिवन होगा मोनो या H2SO4 H3PO, तब तुम उसको उससे ऐसे निकाल के देखोगे कि आ रही है. लेकिन मोनो एसिडिक के लिए ये फिक्स है के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा. बोलो क्लियर है? अगर अल्फा की वैल्यू वीक एसिड के लिए मच मच लेस देन 1 है बच्चे, तो क्या मैं के एक सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा में से अल्फा नेग्लेक्ट कर दूं, सिर्फ सी अल्फा स्क्वायर लिख लूंगी? अल्फा इज मच मच लेस देन 1 है तो मैंने अल्फा को क्या कर दिया? नेग्लेक्ट कर दिया. क्योंकि किसी भी छोटे नंबर को 1 से माइनस करूंगी तो वो अप्रोक्सीमेटली 0.99 समथिंग आएगा, तो जो अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होगा? 1 के. तो मैं के को सी अल्फा स्क्वायर लिख सकती हूँ. अरे बोल दो, समझ नहीं आया? मैम आ गया. के ए अल्फा की वैल्यू के ए बाय सी आ गई. के ए बाय सी अल्फा की वैल्यू आ गई. मैंने क्या किया? सी को नीचे भेजा, अल्फा स्क्वायर लिखा, अल्फा का स्क्वायर था, अंडर रूट हो गया उधर जाके. अब मुझे बताओ अगर आपको एक क्वेश्चन में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा है के ए गिवन है सी गिवन है तो आप अल्फा निकाल लोगे? क्लियर है बात सबको? अच्छा अब मुझे बताओ अगर मुझसे पूछी होती H प्लस की कंसंट्रेशन, H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है इक्विलिब्रियम पे? सी अल्फा. अगर मुझे क्वेश्चन में गिवन होता, क्वेश्चन में आपको गिवन होता कि जी आपके पास K की वैल्यू ये गिवन दी है, ठीक है, और C की वैल्यू भी आपको गिवन दी है, और आपसे पूछ लिया पीएच बताओ या फिर बताओ H प्लस की कंसंट्रेशन बताओ या उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन बताओ, तो पहले तो आप अल्फा की वैल्यू निकाल लेते. पहले तो आपको इक्वेशन लिखना ही पड़ेगा, जो इक्वेशन जो भी जिस भी एसिड की बात हो रही होगी, फिर आप K बाय C करके उसके अल्फा की वैल्यू निकाल लेते. अरे बोलो. यस मैम. यस मैम. हाँ जिसे समझना है वो प्लीज एक बार रुक के पूछ लेना. हाँ कंफ्यूज मत होना, ये बहुत इजी है लेकिन आपको मतलब दिखने में ऐसे टफ सा दिख रहा है, लेकिन आप उससे ध्यान से सुनो और फिर मुझसे पूछ लो जो चीज समझ ना आए कि ये कैसे आया करके. ठीक है, अब मुझसे H प्लस की कंसंट्रेशन पूछ. मैंने भी H प्लस की कंसंट्रेशन बताई कितनी थी? C अल्फा थी. उसने मुझसे हाँ बोलो बोलो बोलो. उसने मुझसे H प्लस की ही कंसंट्रेशन पूछ ली है C अल्फा, तो मेरे पास अल्फा की वैल्यू सब कुछ आ गई, तो क्या मैं उसे एच प्लस की कंसंट्रेशन निकाल कर दे दूंगी? क्या हो जाएगी? सी अल्फा. H प्लस की कंसेंट्रेशन क्या हो गई? सी अल्फा. सी एच थ्री सी ओ नेगेटिव की पूछेगा तो सी अल्फा. सी एच थ्री सी ओ ओ एच की पूछ लेगा तो सी माइनस सी अल्फा. बोलो यही थी ना सबकी कंसेंट्रेशन? एक अल्फा निकालने से मुझे कंपोजिशन में, मेरे सॉल्यूशन में इक्विलिब्रियम पे क्या क्या चीजें कौन कौन सी थी निकाल सकती हूँ. यस मैम. यस मैम. अब पूछो भाई क्या पूछ रहे हो? कोई कुछ कह रहा है? कोई है भाई? पीएच क्या होता है? पीएच होता है माइनस लॉग ऑफ एच थ्री ओ प्लस माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड पीएच. ठीक है, अब मेरे अगर एच थ्री ओ प्लस की कंसेंट्रेशन सपोज 1×10⁻³ आ गई, ठीक है कंसेंट्रेशन, तो मेरा पीएच क्या होगा?
माइनस लॉग एच थ्री ओ प्लस की कंसेंट्रेशन 10 की पावर माइनस 3 वैल्यूज पुट करी मैंने, जो एच थ्री ओ प्लस की कंसेंट्रेशन मेरी निकल कर आई थी वो यहाँ पे पुट किया। बच्चे लॉग की प्रॉपर्टी होती है, अगर ये x की पावर 2 है, कुछ भी पावर है इस पे x की पावर 2, तीन एग्जांपल ले लेती हूँ। हाँ, एक जनरल लेते हैं माइनस लॉग x की पावर 2, एक ले लेती हूँ लॉग 10 की पावर 3 ले लेती हूँ, एक ले लेती हूँ लॉग 2 की पावर 3। क्लियर है बात सबको? एक yes, माइनस लॉग 5 की पावर 2, ठीक है। जो पावर होती है ये क्या हो जाती है, आगे आ जाएगी, ये हो जाएगा माइनस 2 लॉग x, ठीक है, इज इक्वल टू, अब इसका देखो 3 लॉग 10, लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है 1, लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये 3 उसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, वैल्यू आ जाएगी 3। क्लियर है? 2 की पावर 3 लिखा है, 3 लॉग के आगे आएगा लॉग 2, लॉग 2 की वैल्यू क्या होती है 0.3, लॉग 2 की वैल्यू क्या होती है 0.3, 3 × 0.3 इज इक्वल टू 0.9 वैल्यू आ गई। क्लियर है? अगर यहाँ पे 5 की पावर माइनस 2 कर दूं, ये माइनस 2 लिखा है, माइनस 2 आगे जाएगा इस वाले माइनस के साथ, लॉग 5, लॉग 5 की वैल्यू शायद 0.7 होती है, ठीक है, तो क्या हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई 0.7, 1.4। क्लियर है सबको ये बात? इतना लॉग आ गया निकालना, पीएच निकाल लोगे, बोलो भाई। अब मेरे पास 1 × 10⁻³ है, मुझे पीएच निकालना है, तो माइनस का ये आगे आ जाएगा, माइनस माइनस 3 लॉग 10 इज इक्वल टू में 3 वैल्यू आ गई। क्लियर है बात सबको? यस मैम। लॉग की एक और प्रॉपर्टी देख लो, लॉग ए इंटू बी जो होता है उसको मैं लिखती हूँ लॉग ए प्लस लॉग बी। क्लियर है? अगर मुझे वैल्यू लिखी होती लॉग 2 × 10 की पावर 3 लिखा होता, माइनस लॉग 2 × 10 की पावर माइनस 3, ये मेरी अगर इसकी कंसेंट्रेशन की वैल्यू होती, किसकी, एच प्लस की कंसेंट्रेशन की वैल्यू क्या होती 2 × 10 की पावर माइनस 3 अगर होती, तो मैं यही लिखती ना इसके अंदर, हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन की जगह इसकी वैल्यू पुट करती। अब इसको कैसे सॉल्व करूंगी, माइनस लॉग 2 माइनस लॉग 10 की पावर माइनस 3, ये माइनस का ये प्लस होना था ना, ये माइनस जो बाहर था ये दोनों के साथ अंदर आ गया। क्लियर है बात सबको? बताओ भाई इसमें जो समझना है तो पूछो कि माइनस कहाँ से आया, प्लस कहाँ से आया। क्लियर है? देखो माइनस लॉग 2 × 10 की पावर माइनस 3 लिखा मैंने, भी लॉग की प्रॉपर्टी बताई, लॉग ए इंटू बी होता है लॉग ए प्लस लॉग बी, तो ये लॉग ए इंटू बी अगर मैंने किया तो लॉग ए प्लस लॉग बी ये लिखा, और माइनस का दोनों के साथ था तो दोनों के पास माइनस माइनस आ गया। क्लियर है बात सबको? अरे क्या हुआ, सन्नाटा काहे? यस मैम। अनुष्का, मानसी, दीपा, ठीक है चलो। लॉग टू की माइनस लॉग टू की वैल्यू क्या होगी, माइनस 0.30, और ये माइनस का 3 आगे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 3, लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, माइनस 0.3 प्लस 3 क्या वैल्यू आ गई 2.7। बोलो पीएच की वैल्यू कितनी आ गई 2.7। क्या इस 2 फिर इस तरीके इस रिलेटेड में अगर कुछ आ जाएगा तो तुम कर लोगे इस तरीके से सॉल्व लॉग को, इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, देख लो किस तरीके से करना है। लॉग ए इंटू बी, लॉग ए प्लस बी होता है लॉग बी होता है, पीएच के केस में माइनस माइनस लग गया क्योंकि आगे से माइनस था। पीएच की डेफिनेशन याद रखना, माइनस लॉग ऑफ एच थ्री ओ प्लस की कंसंट्रेशन, माइनस लगाना जरूर है, ठीक है, तभी वो पीएच बना। क्लियर है बात सबको? वैल्यूज पुट करते जाओ, सॉल्व करते जाओ, आंसर निकल कर आ जाएगा। बात समझ में आई यहां तक? बोलो, ज्यादा फास्ट हो गया, बहुत सारी चीजें कर ली तुमने, जल्दी बताओ इतना समझ में आ गया? Yes, तो अब मुझे ये बताओ कि क्या ऐसे ही मेरे पास अगर के ए, ये ए नेगेटिव, ये कॉन्जुगेट बेस बन गया था ना एक, ये नेगेटिव एक बेस है, मैंने इसको रिएक्ट कराया H2O के साथ और OH नेगेटिव रिलीज हुआ, इसके लिए आप के बी निकालोगे, इसके लिए जो वैल्यू निकलेगी OH नेगेटिव अगर होगा, मतलब कि अगर कोई बेस होगा तो मैं उसके लिए जो वैल्यू निकालूंगी के बी लिखूंगी। पहले मैं क्या लिख रही थी एसिड में, के ए, यहाँ पे क्या लिख दूंगी के बी, सेम है,
अगर ये सी था ये जीरो, एच टू ओ को नहीं लेते, एच टू ओ वाटर है उसको यूनिट मान लेते हैं, सी माइनस सी अल्फा हो जाएगा, ये सी अल्फा वैल्यूज पुट करूंगी, के बी इजिकल टू सी अल्फा सी माइनस सी अल्फा इजिकल टू सी अल्फा स्क्वेयर वन माइनस अल्फा, क्लियर है, सेम वैसे जो के ए के लिए क्या था, वीक बेस होगा तो अल्फा की वैल्यू मच मच लेस देन वन होगी, के बी इजिकल टू सी अल्फा स्क्वायर। यस मैम क्लियर है। कोई बच्चा पूछ लो भाई, अनुष्का निर्मला भाई शर्माओ ना, पूछो पलक। मैम क्लियर है पक्का से, के ए जैसे हमने निकाला सेम वही किया है, बस अब की बार बेस था तो ओएच नेगेटिव था तो इसलिए मैंने के बी लिख दिया, जो वैल्यू निकलेगी वो किसकी निकलेगी, के बी की निकलेगी, ठीक है बेस। मैम ये भी मोनो, जैसे वो मोनो एसिड के लिए, हाँ ये मोनो बेस के, ये मोनोबेस, क्योंकि अब अगर डाय हो जाएगा तो देखो उसकी वो चेंज हो जाएगा ना, सी अल्फा की जगह टू सी अल्फा आ जाएगा तो सारी वैल्यूज चेंज हो जाएगी, तो के बी इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर वीक बेस के लिए, किसके लिए, वीक बेस के लिए, जहां मैं अल्फा को नेग्लेक्ट कर सकती हूँ, जहां मैं अल्फा को नेग्लेक्ट नहीं कर सकती होंगी कुछ वैल्यूज उसकी होगी, वहां जहां वन माइनस अल्फा करने पे कुछ वैल्यूज आ रही होगी बच्चे, तो वहां पे तुम इसे करके देखोगे, ठीक है। सपोज अगर उसने मुझे बोल दिया कि अल्फा की वैल्यू 0.95 है तो आपको इसको वन में से माइनस करना ही होगा, कितना आएगा 0.5 आ जाएगा, 0.05 आ जाएगा, यस मैम, अरे क्या आएगा 0.5 आएगा, 0.05 आएगा, क्लियर है बात सबको, बोलो भाई वन में से माइनस कर तो कुछ वैल्यूज आएगी तो तब मैं उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकती होंगी, ठीक है, ध्यान रखना जहां अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी है वहीं पे हमें इसे नेग्लेक्ट करना है। एक और बात रह गई क्या, कि ए की वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी बच्चे वो सबसे ज्यादा एसिड होगा, जितने ज्यादा के ए की वैल्यू उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, जितनी ज्यादा के बी की वैल्यू उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस। अगर आपको उसने दो दे दिया 1 × 10⁻⁴, 1 × 10⁻⁷, इन दोनों में से कौन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, 1 × 10⁴, पक्का से स्ट्रॉन्ग एसिड होगा ये, क्योंकि के ए की वैल्यू ये बड़ी है, ये के वन मान लू, ये के टू मान लू, के वन और के टू में से कौन बड़ा है, के वन बड़ा है, सबको ये बात पता है ना, माइनस फोर वाला छोटा नंबर जो होगा वो बड़ा होगा, यस मैम, यस मैम, तो आप बता दोगे कि ये अगर मेरे सॉल्यूशन में के के और के बी की वैल्यू का आप ये बता दो, क्लियर हो गया ना आपको, कि बेस अगर जिसका ज्यादा वैल्यू बड़ी होगी बेसिक की वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, जो कम होगा वो कम होगा, ठीक है। अब के ए निकालना आ गया आपको, के बी निकालना आ गया, ऐसे ही एच टू ओ का डिसोसिएशन भी होता है, एच थ्री ओ प्लस मिलेगा प्लस ओ एच नेगेटिव मिलेगा, इसके लिए भी मैं K की वैल्यू लिखूंगी क्या, H3O plus OH negative, ये जो dissociation होता है H water का, इसका जो dissociation constant की वैल्यू होती है वो KW होती है, क्या होती है, KW, समझ में आ गया, dissociation constant of water KW होता है, और ये एक 25 डिग्री सेल्सियस पे या फिर 298 केल्विन पे इसकी वैल्यू होती है 1 × 10⁻¹⁴ एट 298 केल्विन, क्लियर है सबको, हाँ, K की वैल्यू गिवन टेम्परेचर पे फिक्स है 1 × K की वैल्यू वैसे भी हर किसी इक्वेशन के लिए फिक्स होती है ना बच्चों, हमने पढ़ा था ना इक्विलिब्रियम में भी कि वैल्यू जो फिक्स होती है जिस टेम्परेचर पे वो फिक्स ही रहेगी, तो ये 298 केल्विन पे 1 × 10⁻¹⁴ होती है वॉटर की KW, वॉटर की डिसोसिएशन की कॉन्स्टेंट की वैल्यू, बोलो अब पूछो क्या पूछ रहे थे, मैम अपॉन में H2O नहीं आएगा, H2O को हम नहीं लेते, जो वाटर है वो लिक्विड है उसको हम यूनिट मानते हैं, जैसे हम सॉलिड को नहीं लेते थे, याद है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं सॉलिड और लिक्विड वाली चीजों को, वैसे ही इसमें H2O को नहीं लिखना, ठीक है, हमने पीछे भी तो एसिड और बेस का जब किया तो H2O को नहीं लिखा नीचे, क्लियर है आदित्य रिचा, चलो KW की वैल्यू मैम अगर H2O गैसियस फॉर्म में होगा, गैसियस फॉर्म में होगा, यही यही वेपर की फॉर्म में होगा तो यही यही, लेकिन अभी हम लोग अब आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ आयन किसमें एक्वस के अंदर की बात करनी है, क्लियर है,
तो भी ये होगा, ठीक है ना। तो इसके नीचे H2O सब गैस लगा लेंगे, लेकिन अभी हम आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम किसके अंदर? एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डिजॉल्व होने के बाद जो जो उसमें हो रहा है हम उसकी बातें कर रहे हैं सारी। क्लियर है बात सबको? यस मैम। चलो अब मैं क्या बताने वाली थी। अब आयनिक इक्विलिब्रियम हो गया। अब एक छोटा सा मैं चाहती हूँ पीछे चली जाऊं, बहुत पीछे, जो आपने पिछली क्लास में ली शैक्लियर पढ़ा है ना? यस मैम। ली शैक्लियर प्रिंसिपल पढ़ा था, सबने पढ़ा है ली शैक्लियर प्रिंसिपल। उसमें मेरे से एक मिस्टेक हो गया था, जिसके लिए तुम मुझे माफ कर दोगे? बोलो भाई, कर दोगे माफ? जो हमने फेज ट्रांजिशन की बात की थी, फेज ट्रांजिशन नहीं कर रहे ना, नहीं कर रहे माफ, क्या कह रहे हैं? कर दें। ऐसे कैसे गलत करा? फेज ट्रांजिशन की बात हुई थी लास्ट में, हमने पढ़ा था क्या H2O सॉलिड टू लिक्विड की बात हुई थी। मैंने इसको डेंसिटी वाले कॉन्सेप्ट से बताया था, जो कि गलत था। वो डेंसिटी वाले से नहीं बताना था, वो बताना था मुझे किससे, उससे वॉल्यूम से, ठीक है। I2 था, I2 सॉलिड में कन्वर्ट। ये तीन इक्वेशन मैंने आपको दे दी कि फेज ट्रांजिशन जहां पर होगा, फिजिकल इक्विलिब्रियम जहां एस्टेब्लिश हो रहा है, तो बच्चे प्रेशर इंक्रीज करने पे रिएक्शन शिफ्ट होगी वेयर वॉल्यूम लेस, जहां वॉल्यूम क्या होगा, लेस होगा। जो डेंसिटी वाली मैंने बात करी थी वो नहीं, डेंसिटी के बेसिस पे हम इसे नहीं देखेंगे। प्रेशर इंक्रीज करने पे, क्योंकि यहाँ फेज ट्रांजिशन हो रहा है तो यहाँ सारी चीजें डिफरेंट हो जाती है। जब प्रेशर इंक्रीज करते थे, जो इक्विलिब्रियम था वो नंबर ऑफ मोल जहां लेस होते थे वहां करता था ना, प्रेशर इंक्रीज करने पे रिएक्शन शिफ्ट होती थी वेयर नंबर ऑफ मोल लेस, वेयर नंबर ऑफ मोल लेस होते थे वहां शिफ्ट हो जाती थी रिएक्शन प्रेशर इंक्रीज करने पे। बोलो भाई। यस मैम। लेकिन फेज ट्रांजिशन में तो नंबर ऑफ मोल्स है नहीं, तो प्रेशर इंक्रीज करने पे रिएक्शन शिफ्ट होगी वेयर वॉल्यूम इज लेस, जहां वॉल्यूम क्या होगा, लेस होगा। क्लियर है बात सबको? यस मैम। अच्छा सुनो, आइस होती है और वाटर होता है, इन दोनों में से वॉल्यूम किसका, वाटर का या आइस का, किसका कम होता है? आइस का ज्यादा होता है वॉल्यूम। सिर्फ एक यही है सॉलिड ऐसा, वाटर ही एक ऐसा सॉलिड है, जब मैं उसको मतलब आइस में कन्वर्ट करती हूँ, जमाती हूँ, तो उसका वॉल्यूम जो होता है बच्चे वो बढ़ जाता है। वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। हमने पढ़ा था ना डेंसिटी क्या हो जाती है, आइस की डेंसिटी कम होती है। आप सबने बोला था भाई हाँ आइस की डेंसिटी कम होती है तभी तो वो वाटर में फ्लोट करता है, पढ़ा था ना हमने ये? यस मैम। डेंसिटी कम कैसे हुई, क्योंकि वॉल्यूम मास अपॉन में वॉल्यूम बढ़ जाता है, वॉल्यूम क्या हो जाता है इसका, इंक्रीज कर जाता है, इसलिए ही इसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आइस का वॉल्यूम वाटर के वॉल्यूम से कम होता है। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। ओ सॉरी, आइस का वॉल्यूम वाटर के वॉल्यूम से ज्यादा होता है, ज्यादा आइस का वॉल्यूम ज्यादा होता है। आइस का वॉल्यूम क्या होता है, वाटर के वॉल्यूम से। अच्छा मुझे बताओ, कोई गैस है और एक लिक्विड है, कोई किसी और वाटर के अलावा गैस है और लिक्विड है, इसमें वॉल्यूम किसका ज्यादा होगा, लिक्विड का या गैस का? सल्फर लिक्विड। गैस का वॉल्यूम क्या होता है बच्चे, ज्यादा होता है। गैस का वॉल्यूम क्या होता है, ज्यादा होता है। ऐसे लिक्विड का वॉल्यूम ज्यादा होगा किससे, सॉलिड से। लेकिन ये सल्फर का एग्जांपल है, लेकिन अगर मैं वाटर का एग्जांपल लेती हूँ, वाटर में वैसे तो गैस का ज्यादा रहेगा, वाटर में किसका ज्यादा रहता है, गैस का ज्यादा होता है। लेकिन अगर मैं आइस की बात करूं तो किसका ज्यादा होगा, आइस का ज्यादा होगा किससे, लिक्विड से। क्लियर है बात सबकी, सबको वॉल्यूम के बारे में बात होगी, ठीक है भाई, ठीक है, क्लियर है बात सबको। अब गैस का कैसे ज्यादा होगा, अरे कोई गैस तो फैल जाती है ना, उसका वॉल्यूम बढ़ा जाता है, बड़ा हो गया। ऐसे ही जब मैं बर्फ को जमाती हूँ तो उसका जो सॉलिड होता है, वो जो आइस जब जमती है तो थोड़ा सा वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि आइस, अब ये सब तुम बाद में पढ़ोगे कि कैसे इंक्रीज करता है, ये मॉलिक्यूल जो H2O के होते हैं वो जब जमते हैं तो थोड़ा सा फैल जाते हैं, ठीक है, क्लियर है बात सबको। yes, अब मुझे बताओ यहाँ रिएक्शन कहाँ शिफ्ट करेगी प्रेशर इंक्रीज करने में,
फॉरवर्ड की बैकवर्ड, जहां वॉल्यूम लेस होगा वहां शिफ्ट करेगी, जहां वॉल्यूम क्या होगा प्रेशर इंक्रीज करने पे रिएक्शन शिफ्ट होगी, वेयर वॉल्यूम लेस, वॉल्यूम कहां लेस होगा इस साइड फॉरवर्ड शिफ्ट करेगी, रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगी लिक्विड की साइड, क्लियर है बात सबको, प्रेशर इंक्रीज करने पे रिएक्शन शिफ्ट होगी वेयर वॉल्यूम इज लेस, और लेस होगा H2O वाले केस में लिक्विड वाली साइड, इधर बताओ कहां शिफ्ट करेगी मैम फॉरवर्ड, इसमें भी फॉरवर्ड करेगी क्योंकि वॉल्यूम लेस किसका है लिक्विड का है, आई टू गैस और सॉलिड के उसमें बताओ कहां शिफ्ट करेगी मैम फॉरवर्ड, बैकवर्ड, फॉरवर्ड ही तो कर रही है, अगर इसको उल्टा लिख देती तब तुम कहते क्या बैकवर्ड, वॉल्यूम लेस है ना इस साइड सॉलिड की साइड, यस मैम, तब हो जाती बैकवर्ड। अब अपने जो क्वेश्चंस थे वो देख लेना ठीक है, ये क्वेश्चन क्योंकि अब आपके जो ये फेस ट्रांजिशन से रिलेटेड ली शटलर प्रिंसिपल के बारे में इसने बात किया है वो आपकी बुक में भी नहीं है, नहीं है ना इसके बारे में, H2O के बारे में बात की है नहीं ना, ये नीड और इनके क्योंकि वो सिर्फ वही तक था प्रेशर नंबर ऑफ मोल्स इनर्ट गैस वो सारा याद रख लो, इनर्ट गैस डालते हैं तो रिएक्शन कहाँ शिफ्ट करती है वेयर नंबर ऑफ मोल इज मोर, करा था ना हमने, यस मैम, तो बस वो तो वहीं तक के लिए ठीक है आपके सीबीएसई के क्वेश्चन से सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फेस ट्रांजिशन से मोस्ट प्रोबेबली वो यही एग्जाम्पल पूछते हैं बार बार, तो ठीक है ध्यान रहेगा सल्फर गैलीलियम अगर कुछ और लिखा है तो प्रेशर इंक्रीज करने पे रिएक्शन शिफ्ट होगी वेयर वॉल्यूम लेस, क्लियर है बात सबको, यस मैम, बस वाटर का एग्जाम्पल याद रखना आइस का वॉल्यूम ज्यादा होता है लिक्विड से, ठीक है आ जाए आयनिक पे, अब आज देखते हैं तुम्हें कितना समझ में आया, विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, नहीं जवाब दे रहे पोल कर दे मैम, HCl ठीक है फटाफट से लेते हैं, अब ये बताओ फ्यूज इसमें से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन से हैं, ये भी स्ट्रॉन्ग है NaCl, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, NaOH भी स्ट्रॉन्ग होता है, ये भी, ये तीनों ठीक है इसके, ठीक है बी गलत है, एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, क्लियर, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं बता दिया था, स्ट्रॉन्ग जिनका अल्फा की कम्प्लीट डिसोसिएशन हो गया 100% डिसोसिएशन हो रहा है, अल्फा की वैल्यू क्या है 1 है अप्रोक्सीमेटली, और वीक कौन होते हैं जिनके अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 होती है, आरहेनियस कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या बात करी इसने, तीनों को एक बार कंबाइन करके बता देती हूँ, एच प्लस एड और एच प्लस सॉरी OH नेगेटिव आयन, क्या बोला था आरहेनियस ने, एच प्लस अगर लॉस करेगा तो एसिड और OH नेगेटिव लॉस करेगा तो बेस ठीक है, फिर ब्रॉन्स्टेड ने आया, ब्रॉन्स्टेड ने बोला बस उसने ब्रॉन्स्टेड ने सिर्फ एच प्लस की बात करी कि एच प्लस अगर लॉस करेगा तो एसिड, H प्लस एक्सेप्ट कर लेगा तो बेस। लुईस ने बात करी किसकी इलेक्ट्रॉन पेयर की, इलेक्ट्रॉन पेयर के बारे में किसने बात करी लुईस ने कहा एक्सेप्ट करेगा लोन इलेक्ट्रॉन पेयर्स को तो क्या होगा वो एसिड और डोनेट करेगा तो बेस, जैसे कि मैंने बताया डी और बी एग्जाम डोनेट और बेस, क्लियर है ये बात सबको, कंफ्यूजन तो नहीं होगी कौन सा आरहेनियस कौन सा ब्रॉन्स्टेड कौन सा मोनोबेसिक और मोनोबेसिक और इसके बारे में बात कर ली हमने, अच्छा सुनो जो ये एक एच प्लस लॉस करते हैं उन्हें मोनोबेसिक बोलते हैं, मैंने शायद पीछे एसिडिक कह दिया था ना, क्या कहा था बेसिक ही कहा था, मोनोबेसिक कौन ये जो एसिड अगर एच प्लस लॉस करेगा HCl था एक HCl लॉस करेगा एक एच प्लस करेगा मैं इसको बोलती हूँ मोनोबेसिक, क्या बोलती हूँ मैं इसे मोनोप्रोटिक भी बोलती हूँ, अब क्या बोलते हैं हम इसे प्रोटिक की बात करते हैं, क्लियर है बात सबको, हम इसे मोनोबेसिक क्यों बोल रहे हैं क्योंकि ये एक OH नेगेटिव को क्या करेगा न्यूट्रलाइज करेगा, हम इसको मोनोबेसिक क्यों बोल रहे हैं क्योंकि ये एक OH नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करेगा, जैसे कि आप एग्जांपल ये जो CH3COH लिखा है इसमें कितने सारे एच है चार एच है हाइड्रोजन कितने है इसमें फोर है तो मैं इसको पॉलीप्रोटिक नहीं बोलूंगी ये मोनो ही है, क्यों मोनो है क्योंकि जब ये न्यूट्रलाइज करेगा तो ये सिर्फ एक ही H प्लस लॉस करेगा और एक ही OH नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करेगा इसलिए इसको मैं बोलूंगी मोनोबेसिक एसिड, क्लियर है बात सबको, यस मैम, ठीक है आप अपनी ये जो पीपीटी आती है उनको खोल के देखते हो ऐसे ही OH अच्छा इसमें बताओ आरहेनियस बेस कौन सा है
NaOH क्लियर है. ऑप्शन बी हाइड्रेटेड स्पीशीज कैन एग्जिस्ट. ये सारी की सारी हाइड्रेटेड स्पीशीज एग्जिस्ट करती हैं. इस किसी में H2O में अगर H प्लस ऐड हो गया तो वो क्या बन गया H3O प्लस. H2O ओके अगर दो मॉलिक्यूल थे फिर H प्लस ऐड हुआ तो वो क्या बन गया H प्लस H2O 2 बन गया. बोलो भाई ऐसे ही तो मैं इसको क्या लिख दूंगी H3O 2 प्लस यही लिखा था यहाँ पे. बोलो क्लियर है बात सबको. ऐसी H2O के N मोल ले लिए उसमें H प्लस ऐड कर दिया तो जो भी कुछ बन गया ये क्या है हाइड्रेटेड स्पीशीज. क्या बन गई हाइड्रेटेड स्पीशीज. अब ये नेगेटिव वाला जो था वो कैसे आया. अब की बार उसने H2O ने कौन सा आयन अपने पास रखा OH नेगेटिव आयन तो ये भी क्या है हाइड्रेशन ही हुआ इसका. चाहे वो H प्लस रखे या फिर OH नेगेटिव अपने पास रखे. ठीक है क्लियर है बात सबको. सारी की सारी हाइड्रेटेड स्पीशीज ही है. ठीक है आरेनियस बेस और आरेनियस एसिड ब्रोंस्टेड सब कुछ हो गया है सारा बताया. कॉन्जुगेट एसिड क्या होते हैं कॉन्जुगेट बेस क्या होते हैं. एक बात और अगर मेरे पास दो रिएक्शन को ऐड करते हैं तो के की वैल्यू के साथ क्या होता है मैम मल्टीप्लाई हो जाती है ना. अगर मेरे पास ये इक्वेशन SO4 नेगेटिव ये Ka1 है ये Ka2 है मुझसे उसने पूछा H2SO4 2H प्लस SO4 नेगेटिव इसके Ka की वैल्यू बताओ तो मैं इन दोनों को ऐड करूंगी ना इन दोनों को ऐड करूंगी तो मुझे यही मिल जाएगा. बोलो भाई यही मिल रहा है कट पटा के. यस मैम ये कट गया कट गया यही मिल गया. तो यानी कि ये वाला Ka जो है Ka1 मल्टीप्लाई के ए टू लिख सकती हूँ. यस मैम पक्का. दो रिएक्शन को अगर मैं ऐड करूंगी तो उनके के की वैल्यू को क्या कर दूंगी मल्टीप्लाई कर दूंगी. अब हम कर लेते हैं रिलेशन बिटवीन के ए एंड के बी के बीच में क्या रिलेशन होता है. ठीक है आपने एच ए पढ़ा क्या HA को H2O के साथ रिएक्ट करके हमने क्या बनाया था H3O plus A नेगेटिव है ना. यस मैम इसके लिए हमने Ka की वैल्यू क्या रखी थी A नेगेटिव H3O plus अपॉन में HA. बोलो यही था. यस मैम अब अगर मुझे इसका इसी एसिड का कॉन्जुगेट बेस के साथ ही मैं रिएक्शन करूंगी Ka और Kb में सेम ही. ऐसा नहीं के ए मैंने किसका किसी और का ले लिया HCl का ले लिया और के बी मैंने NH3 का ले लिया ऐसे नहीं. सेम ही कंपाउंड का मैंने एसिड लिया है एसिड की के लिया है और उसी का जो कॉन्जुगेट बेस बना मैंने उसकी रिएक्शन उसके बेस का के बी निकाला उसकी ही क्या निकाली मैंने के बी की वैल्यू निकाली OH नेगेटिव. के बी की वैल्यू क्या आई OH नेगेटिव HA अपॉन में A नेगेटिव. बोलो क्लियर. इसको नाम दे दिया मैंने रिएक्शन वन इसको टू इसको दे दिया ए और इसको दे दिया बी. अगर मैं इक्वेशन वन प्लस इक्वेशन टू कर दूं तो इक्वेशन प्लस वन प्लस इक्वेशन टू करूं तो बच्चे क्या मिलेगा क्या बचेगा मेरे पास 2H2O H3O प्लस OH नेगेटिव. देखो यही बच रहा है बाकी सब कट रहे हैं बाकी सब कट रहे हैं. H2O बच गया HA से HA कैंसिल. यस मैम A नेगेटिव से A नेगेटिव कैंसिल 2H2O बच गया और H3O प्लस बच गया इस साइड और OH नेगेटिव बच गया. क्लियर है. यस मैम तो यानी कि अब मैंने इन दोनों रिएक्शंस को ऐड किया तो क्या मैं इनके Ka की वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करूंगी. यस मैम Ka मल्टीप्लाई Kb इज इक्वल टू में क्या बचा H3O प्लस और OH नेगेटिव. अगर आप इन दोनों को लिखोगे ना A नेगेटिव से A नेगेटिव कैंसिल हो गया मल्टीप्लाई करोगे ना आपस में तो मेरे पास ऊपर क्या बच के आएगा H3O प्लस OH नेगेटिव. और मैंने अभी बताया था H3O प्लस OH नेगेटिव किसके बराबर होता है KW. अगर मेरी किसी रिएक्शन में उसका Ka गिवन है उस एलिमेंट का Kb गिवन है तो आप Ka गिवन है तो Kb निकाल लोगे.
के ए वन इंटू टेन की पावर माइनस फोर गिवन है, तो के बी निकाल लोगे? यस मैम। कैसे? के ए कितना गिवन है? वन इंटू टेन की पावर माइनस फोर, के बी आपको निकालना है, और के डब्ल्यू की वैल्यू होती है टेन की पावर माइनस फोर्टीन, उसने मुझे अगर 298 केल्विन लिखा है तो 1 into 10 की पावर माइनस 14 होती है kW की वैल्यू, kB निकल जाएगा 1 into 10 की पावर माइनस 14, 1 into 10 की पावर माइनस 4 is equal to 1 into 10 की पावर माइनस 10। बोलो भाई kB की वैल्यू आ जाएगी क्या आपकी रिएक्शन में? अगर आपको KA गिवन है, KB है, KB पूछा है या KB गिवन है KA पूछा है, तो आप बता दोगे? kW हमें पता है 1 into 10 की पावर माइनस 14 होता है। यहां तक सारा समझ में आ गया आज का लेक्चर? बोलो प्यारे बच्चों, तनवीर, मानसी, मेरी आवाज गायब हो गई या तुम लोगों की गायब हो गई? यस मैम, आ गया पक्का? के ए और के बी का रिलेशन सब समझ में आ गया यहाँ तक? के ए कैसे निकलेगा, के बी कैसे निकलेगा, ठीक है? और हमने पीएच निकालना भी देखा कि पीएच कैसे निकलेगा, ठीक है? ठीक है, अरे हाँ। Yes, ma'am. ना अच्छा, अगर मुझे इसने H3O+ की कंसंट्रेशन में, अगर H3O+ की कंसंट्रेशन इक्वल हो गई OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन के, तो क्या 1 into 10 की पावर माइनस 7 हो जाएगा? क्योंकि H3O+ OH नेगेटिव कितना था? 1 into 10 की पावर माइनस 14 था। ये दोनों अगर इक्वल हो गए, यानी कि ये भी X और 1 into 10 की पावर माइनस 14, x is equal to 1 into 10 की पावर माइनस 14 का अंडर रूट कर दो, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 into 10 की पावर माइनस 7। तो यानी कि H3O प्लस और OH नेगेटिव की क्या आ जाएगी? 1 into 10 की पावर माइनस 7 आ जाएगा। यस मैम। अब मुझे अगर pH, अगर H3O प्लस और मैंने पता, मुझे पता है 1 into 10 की पावर माइनस 7 अगर लिखा है और उसका मैं अगर pH निकालूंगी तो 7 आएगा। अगर मेरे पीएच की वैल्यू इज, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो पीएच की वैल्यू क्या होगी? 7। क्या होगा सॉल्यूशन? न्यूट्रल। न्यूट्रल। अगर मेरे H3O+ की जो कंसंट्रेशन है बच्चे, वो अगर हो जाएगी ज्यादा, H3O+ की कंसंट्रेशन क्या होगी? ज्यादा। किससे? OH नेगेटिव से। H3O+ की कंसंट्रेशन अगर OH नेगेटिव से ज्यादा हो जाएगी तो सॉल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक। कैसा होगा? एसिडिक। क्यों? सपोज मेरे H3O+ 1 into 10 की पावर माइनस 4 थी, अगर H3O+ की कंसंट्रेशन आपको 1 into 10 की पावर माइनस 4 गिवन है, तो क्या आप OH की कंसंट्रेशन बता सकते हो कितनी आएगी? अगर आपको H3O+ की कंसंट्रेशन गिवन है तो आप OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन निकाल सकते हो ना? H3O+ मल्टीप्लाई OH नेगेटिव इज इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर माइनस 14 होता है। H3O+ की गिवन है माइनस 4, तो मैं OH नेगेटिव की निकाल लूंगी, 1 इंटू 10 की पावर माइनस 10 आ जाएगी। बोलो। यस मैम। तो जहां H3O+ की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी वो एसिडिक हो जाएगा, जहां OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी वो क्या हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा, और जहां दोनों इक्वल हो जाएंगी कंसंट्रेशन वो हो जाएगा आपका न्यूट्रल। ठीक है, ऐसे ही पीएच की वैल्यू भी निकल जाएंगी सबके लिए। अगर आपकी इक्वेशन में मुझे, आप एक क्वेश्चन करते हैं आपकी एक्सरसाइज एग्जांपल का और उसके बाद करते हैं आपकी छुट्टी, ठीक है? करने में इंटरेस्टेड हो एग्जांपल क्वेश्चन 7.18 कर दें? बोलो भाई। 7.18 अगर आपको तुम खुद कर लोगे क्या 7.18? अगर आपको OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन गिवन है 1 into 10 की पावर माइनस 10 और आपसे पूछा है कि मुझे pH बताओ इस सॉल्यूशन का, क्या बताओ? pH, तो क्या आप बता सकते हो? pH पूछा है। OH नेगेटिव की पहले हम वो निकाल लेंगे। अच्छा, OH नेगेटिव के लिए जो ये निकालते हैं वो POH होता है, माइनस लॉग OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन। इसको आप दो तरीके से निकाल सकते हो, एक तो पहले POH निकाल लो इसका, pH प्लस POH इज इक्वल टू होता है 14। कैसे आया ये pH प्लस POH 14? H प्लस OH नेगेटिव क्या था? 1 into 10 की पावर माइनस 14 था।
क्वेश्चन yes, ma'am. क्वेश्चन अपने आप करना 7.18 वाला. अच्छा वन एच प्लस की कंसंट्रेशन क्या, अब दोनों तरफ लॉग ले लेती हूँ, एच प्लस और था क्या ओ एच नेगेटिव और इधर था 1 × 10⁻¹¹. मैंने दोनों तरफ क्या ले लिया, लॉग ले लिया और माइनस भी ले लिया. ठीक है, अगर अब मैं इसे खोलूंगी तो क्या लिखूंगी, माइनस लॉग एच प्लस माइनस लॉग ओ एच नेगेटिव. इतना भी मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है, और ये माइनस लॉग 14 है तो मैं इसे 14 लिख लू प्लस का. ये क्लियर है सबको, बताओ. यस मैम. कोई है कि ये कहाँ से आया वो कहाँ से आया, कुछ समझ ना आया हो तो 1 × 10⁻¹¹ कहाँ से आया सबको पता है ना, क्योंकि एच प्लस ओ एच नेगेटिव. मैंने सिर्फ क्या किया, दोनों तरफ माइनस लॉग ले लिया. इस माइनस लॉग का मतलब होता है पीएच, इस माइनस लॉग का मतलब हो जाता है पीओएच इज इक्वल टू 14. क्लियर है ये बात सबको, कैसे आया पीएच प्लस पीओएच 14, बोलो भाई. यस मैम. चलो पीएच की वैल्यू अगर क्या हो जाएगी लेस देन 14, लेस देन 7 होगी तो रिएक्शन क्या, वो क्या होगा सॉल्यूशन एसिडिक, और पीएच की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 7 हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा बेसिक. अब आपको मैंने क्वेश्चन दिया था ओ एच नेगेटिव 1 × 10⁻¹⁰ है, तो इसके लिए पीएच की वैल्यू बताओ. बता सकता है कोई मुझे क्या होगी? दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो मैं पहले इधर से ही निकाल लूं क्या एच प्लस की एच प्लस की कंसंट्रेशन निकाल लूं, कितनी आएगी 1 × 10⁻¹⁴ आएगी, तो उसके बाद पीएच निकाल लूंगी तो 4 आएगी, या तो पीओएच ही निकाल लूं डायरेक्ट और पुट करूं पीएच प्लस 10 इज इक्वल टू 14, पीएच इज इक्वल टू 14 माइनस 10 4. क्लियर है बस सबको? यस मैम. चलो फिर वेरी गुड. अब देखो आपका जो क्वेश्चन है उसमें एचएफ का डिग्री ऑफ डिसोशियनाइजेशन कांस्टेंट गिवन है, के ए गिवन है 3.2 × 10⁻¹⁴, और डिग्री ऑफ डिसोशिएशन कैलकुलेट अल्फा निकालना है, और जो जो गिवन होता है वो लिखते जाओ. सी कितना गिवन है, इसका कंसंट्रेशन 0.02. आपको पता है अल्फा की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट के ए बाय सी. ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन लिख ली मैंने H3O प्लस और F नेगेटिव, हो जाएगा अभी क्वेश्चन सॉल्व, अल्फा की वैल्यू निकल कर आ जाएगी आपके लिए, आपके पास के ए की वैल्यू कितनी, के ए की वैल्यू आपको गिवन है. ठीक है ठीक है ठीक है, के ए की वैल्यू गिवन है, सी की वैल्यू गिवन है आपके पास, आपको अल्फा की वैल्यू निकालनी है कितनी आई 0.12. ठीक है, मैंने वहीं से देख के बता दिया कि 0.12 आई, बाकी आप निकाल कर देखना कि आती है नहीं आती. ठीक है, 0.12 किसकी आई, अल्फा की वैल्यू आ गई. ठीक है, एच प्लस की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी बच्चे, सी अल्फा. एच प्लस की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, सी अल्फा. सी कितना है 0.02, अल्फा कितना है 0.1. अरे सो गए तुम. Oh, ma'am. समझ में आ गई बात, कंसंट्रेशन निकल जाएगी, ऐसे ही आप माइनस लॉग करके इसके एच प्लस पीएच वैल्यू निकाल लोगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. चलो भाई आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, कोई किसी का डाउट कुछ पूछना हो.